it's my prayer. May you keep ascending success, stay ascending success, stay. रोशन नूरी का ये काशाना ताहश्र रहे रोशन, हाँ रोशन नूरी का ये काशाना, तू शम्मे रिसालत है। परवाना तू माँ हे नुबुवत है, ए जलवाए जानाना, ए जलवाए जानाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह। الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ما شاء الله। My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, today is very blessed day। बहुत खुशी का दिन है आज, वो दिन है जिसका यूं समझिए कि बहुत अरसे से इंतजार होता है। माशाल्लाह दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट जामियतुल मदीना, जिसका आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का इज्तिमा है, दस्तारे फजीलत का इज्तिमा है, और ये बहुत बड़ी बात है। जो उलमा हैं, जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं कि यूके की सरजमीन पर, यूरोप की सरजमीन पर आज माशाल्लाह 32 ऐसे इस्लामी भाइयों की दस्तारे फजीलत होगी जिन्होंने यूके में दरस निज़ामी इस साल कंप्लीट किया है माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मुझे अच्छी तरह याद है माशाल्लाह खालिद भाई मौजूद हैं, जमील भाई मौजूद हैं, सीनियर इस्लामी भाई मौजूद हैं। एक ख्वाब देखा था कुछ अरसा पहले कि वो दिन आएगा कि कभी हम यूके में भी जामियतुल मदीना देख पाएंगे। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल भी है? और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान से कुछ उलमा ने ये कुर्बानी दी कि उन्होंने ट्रैवल किया, माइग्रेशन की, यहाँ तशरीफ़ लाए और पहले जामियतुल मदीना की बुनियाद डाली गई। और अब तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक माशाल्लाह यूके में दावत इस्लामी के 20 के करीब जामियतुल मदीना बन चुके हैं माशाल्लाह। इट्स अ बिग अचीवमेंट, और डे बाय डे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तरक्की होती जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको जानकर शुरू खुशी होगी कि ये 2011 में पहला जामियतुल मदीना बनाया गया था, और आज 2021 यूं कहा जा सकता है कि हम एक डिकेड पूरा कर चुके हैं। 10 साल यूके में दावत इस्लामी के मुकम्मल हुए, ये भी मुबारक हो आपको माशाल्लाह। तो ये 10 साल में ये सफर जो एक जामियतुल मदीना से था वो 20 पर पहुंच चुका है, और अब अगले 10 सालों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इसकी मल्टीप्लीकेशन जो स्पीड है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो गोया हम यूं कह सकते हैं कि दावत इस्लामी को 40 ईयर्स कंप्लीट हुए पूरी दुनिया में, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जामियतुल मदीना जो पाकिस्तान में पहला बना उसको 25 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, और यूके में जामियतुल मदीना को आज 10 साल पूरे हुए। अल्लाह करीम उन सब की कोशिशों को जानता है, हम सबके नाम भी नहीं जानते होंगे। कुछ होते हैं हीरो बिहाइंड द सीन, कुछ लोगों ने फ्रंट पर आकर काम किया, इन तलबा और उलमा की खिदमत की। कुछ वो होंगे कि जिनका नाम भी हमें नहीं पता होगा, मगर मेरा रब तो सबके नाम जानता है, सबके काम जानता है। हम आज इस मुबारक इज्तिमा में अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला यहाँ यूके में जामियतुल मदीना के कयाम में, इंसराम में, उसकी उसकी तमाम जो तैयारी थी उसमें अब तक
जिन जिन असातज़ा तलबा मजलिस के अराकीन इस्लामी भाइयों ने जिन लोगों ने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मेरे मौला इन सबको इसकी बेहतरीन जजा अता फरमा। आज ऑलमोस्ट 32 इस्लामी भाइयों की दस्तार फजीलत होगी, मगर अब तक 64 अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो दरस निज़ामी कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ जो दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे यूके में जामियतुल मदीना में सिर्फ यूके के तलबा नहीं बल्कि यूरोप से आए हुए तलबा भी अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी कर रहे हैं, और यहाँ से फारिग होने के बाद अपने अपने ममालिक में, यानी ये यूके जामियतुल मदीना का फैजान है कि स्पेन में जामियतुल मदीना शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर वी आर वर्किंग ऑन इटली, नॉर्वे एंड मे बी इन फ्यू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो ये सब माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से यूके के जामियतुल मदीना की बरकत है। कैनेडा, हाँ जी, यहां से इस्लामी भाई गए और कैनेडा में भी जामियतुल मदीना शुरू किया, और आज हमारी प्लानिंग चल रही है इंशाल्लाह। आगे गुड न्यूज सुनेंगे आपके यूके के मदनी आलिम दीन इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और अन करीब ऑस्ट्रेलिया में भी फैजान जामियतुल मदीना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है पहला सीड लगाना, पहला बीज लगाना है, फिर ये बाग बन जाता है पूरा, और फिर ये गुलशन बनता है। अल्लाह हमसे ऐसे काम ले। मुबारक हो उन तमाम इस्लामी भाइयों को। हो सकता है हम में से कई ऐसे हो जो यहां मौजूद भी ना हो, हो सकता है दुनिया से भी चले गए हों, मगर मेरा रब उन सबको इसकी बेहतरीन जजा अता फरमाए। मैं सच्ची बात है कि मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे जो दिल में खुशी है ये मंजर देखकर कि क्या अल्लाह करीम ने हमें अपनी जिंदगी में ही रिजल्ट दिखाया। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो मरने के बाद पूरी होती हैं। आप अगर उलमाए किराम की हिस्ट्री पढ़े ना, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई काम स्टार्ट किया होता है जिसकी रिजल्ट वो नहीं देख पाते और वो दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि लाइफ थोड़ी हमारी। मगर ये दावत इस्लामी की ब्यूटी है कि जो बीसियों सालों में काम लोग किया करते थे, अल्लाह की रहमत से फैजाने अमीर अहले सुन्नत से ये काम महीनों और सालों में हो जाते हैं। सिर्फ 10 साल में 20 जामियात यूरोप में, यूके में खोल लेना, इट्स नॉट इजी। और अल्लाह की रहमत से अब जो मल्टीप्लीकेशन आइंदा सालों में होनी है वो दुनिया ने देखना है। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामती अता फरमाए, दावत इस्लामी को और बरकत अता फरमाए, और हमें इस दावत इस्लामी का भरपूर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मैंने छोटी सी हिस्ट्री बयान की है, इसका एक रीजन ये भी है कि ये लाइव मदनी चैनल पर प्रोग्राम जा रहा है। मैं उन तमाम डोनर्स का भी, डोनेशन देने वालों का भी थैंक्स अदा करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। आप एतमाद करते हैं दावत इस्लामी पर, तो ये आपके डोनेशन का, ये आपके अतियात का जो सिला है, ये जो अचीवमेंट्स हैं, इसमें आपका भी बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह करीम हमें अपनी दावत इस्लामी का इसी तरह दिल खोलकर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरकात हैं। आज जो मैंने आपको हदीस पाक सुनानी है, सच अ ब्यूटीफुल हदीस, और इस हदीस पाक से दो बड़ी खूबसूरत बातें हमें अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। द बिलेविड रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैज सेड, इन्नल्लाह वक्कला बिकब्री मलकन, अनडाउटली अल्लाह अज़्ज़ वजल हैज अपॉइंटेड एन एंजल टू माई ग्रेव, अअताहु अस्मा अल खलाइक, हु हैज बीन ग्रांटेड द एबिलिटी टू हेयर द वॉइस ऑफ एवरी क्रिएचर। उस फरिश्ते को अल्लाह ने यह ताकत दी है कि सारी मखलूक की आवाजें सुन लेता है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग, एवरी क्रिएचर। अच्छा, अब आगे सुनिए, वॉट इज द ड्यूटी ऑफ दैट एंजल, फला युसल्ली अलैय अहदुन इला यौमिल क़ियामा इल्ला अबलगनी बिस्मिही व इस्मि अबीह, हादा फुलान इब्न फुलानिन कद सल्ला अलैका। नबी पाक फरमाते, हेंस हूसोएवर रिसाइट सलात अपॉन मी Until the day of judgment, the angel presents to me that person's name along with his father's name, and says, "So and so, Fula bin Fula, has recited salat upon you this time." Subhanallah, Subhanallah. दो बड़ी खूबसूरत बातें समझनी हैं। पहली बात, वो angel appointed है, दरबान है सरकारे दो आलम अली सलातु वसलाम के मजारे पुरनवार पर। नबी पाक एंजल्स के भी आका हैं, मास्टर ऑफ एंजल्स हैं, फरिश्तों के भी आका हैं। जब उस एंजल की लिसनिंग पावर का आलम यह है कि ब्रैडफोर्ड में बैठा हुआ कोई बंदा दुरूद पढ़े, फरिश्ता मदीने में सुन लेता है, तो मुझे बताओ मेरे आका की समात लिसनिंग पावर का आलम क्या होगा। जो सबके आका है उनकी लिसनिंग पावर का, अच्छा उसके पास सिर्फ लिसनिंग पावर नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन कैसा है पावर उसके पास, कैसा है इल्म, वो ये भी पहचान लेता है
कि सलात पढ़ने वाला, दुरूद पढ़ने वाले का नेम नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है। तो जब फरिश्ते के इल्म का आलम यह है तो मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा। तो यह अकीदे वाली बात बहुत इजीली इस हदीस से क्लियर हो जाती है कि जो सलातो सलाम में हम शेर पढ़ते हैं ना, वो तो बिल्कुल इस हदीस की गोया तशरी नजर आती है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो इट्स यू नो, ये साबित हो गया इस हदीस पाक से। नाउ कम टूवर्ड्स अनदर ब्यूटिफुल पॉइंट, वो इश्क की बात, एक अकीदे की बात हो गई, एक इश्क की बात। दुनिया में जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, रिस्पेक्ट, बहुत लव हो जिसका दिल में, और कोई आकर आपको बताए कि आपको मालूम है आपका जिक्र वहां हो रहा था, उस पर्सनैलिटी के पास आपकी बात हो रही थी, तो बंदा बड़ा इंजॉय करता है, बहुत खुश हो जाता है, वाकई मेरा जिक्र हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि यहां माशाल्लाह दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले बैठे तो बात जल्दी समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई कहे कि आपका जिक्र आपके पीर साहब के पास हो रहा था, अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, और अगर ये सच हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो हम क्या कहते हैं, यार वाकई मेरे पीर साहब के पास मेरी बात हुई थी, जरा बताओ ना क्या बात हुई थी। अच्छा, पीर साहब ने क्या फरमाया है? एक ही बात को बंदा दो तीन बार सुनता है, क्या जरा दोबारा बताए ना क्या जिक्र हुआ था। क्यों? बिकॉज हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट है, उनकी बारगाह में हमारा नाम लिया गया, हमें अच्छा लगा। सच बताओ, एक उम्मती के लिए इससे बड़ी क्या सआदत होगी कि वो इधर दुरूद पाक पढ़े, उधर फरिश्ता उसका नाम बारगाह रिसालत में ले। हैं, सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरे फादर का नाम भी। और जितनी बार मैं रिसाइट करूं दुरूद पाक, इफ आई रिसाइट 100 times दुरूद पाक अ डे, 100 times डेली मेरा नाम बारगाह रिसालत में जाएगा। यानी ये तो गेट पास हो गया ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा नाम पहुंचाने का कितना जबरदस्त फॉर्मूला है कि मेरा नाम रोज आका की बारगाह में लिया जाए। हुजूर आपका गुलाम है, बहुत दूर यूके में रहता है, गुनाहगार भी है, मगर हुजूर आपसे मोहब्बत बहुत करता है, आप पर रोज दुरूद भेजता है, फरिश्ता बार बार मेरा नाम ले, मेरे वालिद का नाम ले। देखो, दुनिया का भी ये दस्तूर है, ये ट्रेंड है कि अगर कोई बैगर, अगर कोई फकीर आपके डोर स्टेप पर रोज आए तो आप भी कहते हैं रोज आता है, आज इसका काम कर दो। है, ये रोज आता है, है बेचारा रोज आता है। सच बताओ, जिसका नाम रोज बारगाह रिसालत में लिया जाए और 100 times 200 times लिया जाए, तभी तो मेरे आका फरिश्तों से फरमाएंगे ना कि मेरा गुलाम मुझे रोज याद करता है, चलो आज इसकी बिगड़ी बना देते हैं, आज इसका काम कर देते हैं, आज इस पर नजर फरमा देते हैं, मेरा तो सारा काम बन जाना। यकीन करें, बिलीव करें, जो भी क्लैमिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, मैं जानता हूं, मुझे पर्चियां मिलती रहती हैं जब मैं यूके आता हूं, घरों में बीमारियां हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फाइटिंग है घरों में, जनाब कारोबार के मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल हैं, वॉट एवर क्लैमिटी यू हैव, एक बात याद रखना, अगर नबी पाक ने एक बार तवज्जो फरमा ली ना, एक बार नजर फरमा ली। बरेली के ताजदार इमाम इश्क को मोहब्बत यही तो समझाते हैं, कहते किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज, कहते बहुत सारी गुत्थियां हैं किस्मत में, डिफिकल्टीज हैं, घबराओ नहीं, किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज, आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, बस एक निगाह पढ़नी है, मेरे सारे काम सीधे हो जाने हैं, हुजूर एक निगाहे करम फरमाए। तो दुरूद ये वो वजीफा है, मेरे स्टूडेंट से भी अर्ज करूंगा, मैं टीचर से भी अर्ज करूंगा, मैं बाकी इस्लामी भाइयों से भी अर्ज करूंगा। कभी कभी पता क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा स्टडीज कर रहे होते हैं, सबक पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो बहुत सारी जो नफली इबादत है उससे हम दूर हो जाते हैं, वो भी इबादत है, इल्म भी इबादत है यकीनन, लेकिन दुरूद से जबान तर रहनी चाहिए, जिक्र अस्कार भी होना चाहिए, याद मुस्तफ़ा भी होनी चाहिए। ये वो खूबसूरती है आपकी जिंदगी की कि आपकी जिंदगी का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। आज इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसे बुजुर्गों की बात करेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि जो इल्म का समुंदर भी थे मगर अमल का यूं समझिए वो पहाड़ भी थे, वो इल्म के अंदर भी बहुत ज्यादा आगे थे मगर अमल में भी किसी से पीछे नहीं थे। अल्लाह ऐसे बुजुर्गों का हमें फैजान नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि आज पेरेंट्स भी हो सकता है कि जिन बच्चों ने आज, जिनकी आज दस्तार फजीलत है, ग्रेजुएशन है, जिनकी कंप्लीशन हो रही है, उनके वालिद भी आए होंगे, उनके ब्रदर भी आए होंगे और फैमिली मेम्बर्स भी आए होंगे, घरों पर बैठ के फैमिली मेम्बर्स देख रहे होंगे। आज जो ये बच्चों ने अचीव किया है ना,
ये वो अचीवमेंट है कि जिसके बारे में अगर हम कुरान और हदीस में पढ़ें तो ईमान ताजा हो जाता है। हमारे बुजुर्गों को, हमारे एंसेस्टर्स को जो जो शौक था ना, जो उनको इल्म सीखने का जज्बा था, एंथुजियाज्म था टू गेट द नॉलेज ऑफ दीन, वो आज बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। कैसा जज्बा था मेजबान रसूल सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला, वो सहाबी रसूल हैं, ठीक है। अब सहाबी तो वैसे ही जन्नती है, हर सहाबी नबी तो पहले ही जन्नती है, नबी पाक के साथी हैं, मगर इसके बावजूद इल्म दीन सीखना, हदीस पाक का इल्म हासिल करने का जज्बा कैसा था। सैयदना अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला ने विजिटेड इजिप्ट, मिस्र का सफर आपने इख्तियार किया, और वहां एक और सहाबी हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला ने से क्यों गए थे, व्हाट इज द इंटेंशन टू विजिट इजिप्ट, टू लिसन अ हदीस, ओनली वन हदीस विद हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला ने। अच्छा, वहां पहुंचे तो हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला ने उनका इस्तकबाल किया, उनको वेलकम किया, रीजन पूछा कि हुजूर क्यों आए हैं, व्हाट इज द रीजन यू केम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा टू इजिप्ट, देन ही आंसर्ड, आई जस्ट केम हियर बिकॉज टू हियर अ वन हदीस फ्रॉम यू। अल्लाह अकबर। अब वो कहते हैं कि इसलिए वो हदीस आपसे सुनने आया कि वो हदीस को सुनने वाला आपके अलावा दुनिया में कोई बाकी नहीं बचा है, यू आर ओनली वन जिसने ये हदीस सुनी थी और वो आज अलाइव है। तो अब हजरत उकबा रदी अल्लाह तआला ने वो हदीस पता है कौन सी थी जो उन्होंने हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला को सुनाई। वो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस किसी ने मोमिन की एक बुराई छुपाई, कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी पर्दा पोशी करेगा। है अल्लाह अकबर। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला ने यह हदीस सुनी, एंड देन राइट अवे ही अगेन ट्रेवल टू मदीना मुनव्वरा फ्रॉम इजिप्ट बिकॉज हिज टारगेट इज अचीव्ड। हदीस सुनने आए थे, वो हदीस सुनी और वापस चले गए। यहां दो बातें सीखनी है, एक तो जो शौक था, जो जज्बा था, आज इल्मे दीन हमारे फिंगर टिप्स पर है, आज किताबें मौजूद हैं, आज इंटरनेट पर बुक्स डाउनलोडिंग के लिए मौजूद हैं, ऑनलाइन उलूम मौजूद हैं, बट नोबडी हैव टाइम टू लर्न हदीस कुरान एंड उलूमे दीनिया। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे सहाबा का क्या आलम था, हमारे बुजुर्गों का क्या आलम था। और इसी तरह दूसरी चीज कि ये हदीस कौन सी थी, इस हदीस में कितना सबक है कि जो किसी का एक ऐब छुपाए, समटाइम हमें किसी का कोई प्रॉब्लम पता चल जाता है, यार उसके प्रॉब्लम हो गया है, उसके साथ ये मिस्टेक हो गई है, उसके घर में ये मसला हो गया है, इंसान है ना, इंसान से मिस्टेक हो जाती है, हो गई मिस्टेक। अच्छा हमें क्या चाहिए, जैसे ही मिस्टेक पता चली दूसरे को फोन किया, पता चला वो फला आदमी, हाँ हाँ उसने ये मिस्टेक की है, वही जो बड़ा नेकी वाली बातें करता है। अच्छा अगर वो शख्स कोई आलिम दीन है या अगर कोई वो दीन का मुबल्लिग है तो अब तो उसकी ऐब और छुपाना चाहिए कि लोग कहीं दीन से दूर ना हो जाएं। लेकिन लोग मजीद मजे ले लेकर, अरे भाई वो मस्जिद के इमाम साहब का ये मसला हो गया है, फला जनाब आलिम दीन ने ये मिस्टेक कर दी है, फला मुबल्लिग साहब ने मिस्टेक कर दी है, फला वो जो बिजनेसमैन है उसने ये मिस्टेक की है। क्यों हम चाहते हैं कि लोगों की बुराइयां हम लोगों तक पहुंचाएं। मुसलमान वो होता है जो पर्दा पोशी करता है। और याद रखो, अगर हम किसी के ऐब छुपाएंगे अल्लाह हमारे ऐब छुपाएगा। उस दिन से डरो कि जिस दिन आप किसी के ऐब उछालते हैं ना, अपने बारे में गौर करो कि हमारे ऐब कितने हैं, जो मैंने अकेले में गुनाह किए हैं, जो अकेले में खताएं किए हैं, हैं अगर वो लोगों को पता चल गई तो, जब अल्लाह ने मेरे ऐब छुपाए हैं तो हमारा काम है कि हम मुसलमानों के ऐब छुपाए, कभी भी ना बताएं, पता चल भी जाए। अच्छा मजे की बात पता क्या, उलमा तो जो हमारे बुजुर्ग थे ना, उनको अगर किसी की मिस्टेक देख लेते ना तो ऐसे रियलाइज कराते जैसे देखा ही नहीं है वो, ताकि वो शर्मिंदा ही ना हो। और हम हैं कि उसको भी शर्मिंदा करते हैं और ना जाने किस किस को बताते हैं। अल्लाह करे कि हम मुसलमानों के खैर खा बन जाए। अच्छा, इल्म दीन की चूंकि बात हो रही है, एक और अजीम शख्सियत उसका जिक्र करेंगे, मगर पहले मैं चाहता हूं कि जो हमें आम इस्लामी भाई सुन रहे हैं, जो दरस निजामी नहीं कर रहे या उलूम दीनिया की तरफ इतना रगबत नहीं रखते, इतना शौक नहीं रखते, उसको इतनी अहमियत नहीं देते, मैं उनको भी कुछ हदीसें सुनाना चाहता हूं कि देखो इल्म दीन सीखने वालों के फजाइल क्या हैं। आज बात होती है कि मेरे बेटे ने जनाब फला डिप्लोमा हासिल किया है, फला डिग्री हासिल की है, फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसने, अरे जनाब वो कंप्यूटर का बड़ा माहिर है, सॉफ्टवेयर तो ऐसे जानता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को वो खोल ले। मैं नहीं कहता दुनियावी उलूम नहीं सिखाने चाहिए, अगर शरीयत की बाउंड्री में रहकर आप दुनियावी नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज हासिल कर रहे हैं, इट्स ओके, मगर ऐसा तो ना करें ना कि वर्ल्डली नॉलेज दुनियावी तालीम में इतने गर्क हो जाएं
कि दीन के बारे में कुछ भी ना जाने, कुरान और हदीस के बारे में कुछ भी ना जाने, जो आप पर सीखना फर्ज है, ऑब्लिगेटरी नॉलेज जरूरी है, वो भी ना सीखे, तो ये ना करें, बल्कि देखें आप कुरान और हदीस में कोई हदीस, कोई फजीलत ऐसी नहीं सुना सकते कि फला इंजीनियर, फला डिप्लोमा होल्डर, फला पीएचडी, फला एमबीबीएस, उसके लिए नबी पाक ने कोई फजीलत बयान की हो। आज मैं आपको तलबाए इल्मे दीन और उलमा के फजाइल सुनाता हूं। अल्लाह करे ये फजाइल सुनकर हमारे दिल में भी ये शौक पैदा हो कि या तो हम आलिम बन जाएं या हमारे कम से कम घर में से कोई एक आलिम दीन हो, ताकि हमारी फैमिली को ये फजीलत हासिल हो। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहदीस भी, और मैं आपको कुरान पाक की कुछ आयात सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। तर्जमा के जुजी ने इसके अलावा कोई और बात नहीं है कि डरते हैं अल्लाह के बंदों में से उलमा। अल्लाह का जो खौफ होता है वो इल्म वालों को हासिल होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम के फरमान कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह इरशाद फरमाता है, वतिल्कल अम्सालु नद्रिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। अल्लाह कुरान में फरमाता है ये कहावतें बयान करते हैं हम उन लोगों के लिए और नहीं समझते मगर जानने वाले, इल्म वाले समझते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड बिकॉज उनके पास इल्म है। और सुभान अल्लाह, अब जरा कुछ मैं आपको नबी पाक की हदीस भी सुना देता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका की बारगाह के सामने दो आदमियों का जिक्र हुआ, आबिद का और आलिम का। आबिद कहते हैं इबादत करने वाला और आलिम कहते हैं इल्म, जिसके पास इल्म दीन हो। जब दोनों का जिक्र हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कमाल के जुमले इरशाद फरमाए। नबी पाक फरमाते हैं, फदलुल आलिमी अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। आका फरमाते हैं कि फजीलत में आलिम की आबिद पर ऐसी है, यानी आलिम जो है वो इबादत गुजार पर ऐसी फजीलत रखता है जैसी मेरी फजीलत तुम्हारे कमतर पर। नबी पाक अपनी मिसाल देकर समझा रहे हैं कि जिस तरह नबी पाक फरमाते हैं मेरी फजीलत आम मुसलमान पर है, आबिद पर आलिम की ऐसी फजीलत है। तो ये शान है उलमा की। सुभान अल्लाह, एक और हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कयामत के दिन उलमा की दवातों की स्याही, इंक पॉट, जो इंक होती है पॉट्स की, जो इंक जिसमें वो फतवा लिखते हैं, अब तो खैर कंप्यूटर का जमाना आ गया, लेकिन समझाने के लिए जो इंक यूज करते हैं वो इल्मे दीन के लिए, उस इंक को और उसके मुकाबले में ब्लड ऑफ शुहदा, फरमाते हैं कि शहीदों के लहू को तोला जाएगा, वजन किया जाएगा, वेट किया जाएगा। और आका फरमाते हैं कि उनके कलम की इंक जो है, दवातों की स्याही जो है, वो उलमा के खून पर गालिब आ जाएगी। ये होता है आलिम और ये होता है इल्मे दीन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये जो बच्चे हैं ना, छह साल, सात साल, आठ साल पढ़ते हैं, ये कुर्बानी है। खास तौर पे यूरोप में, यूके में और दुनिया की बहुत सारी चीजें, रंगीनियां इन्हें खींच रही होती हैं, मगर मेरे बच्चों में आपसे भी बात कर रहा हूं, इन स्टडी टाइम के अंदर कभी कभी शैतान दिल में ये बात डालता होगा, हम तो पीछे रह गए, वो फला उस यूनिवर्सिटी में चले गए, वो फला कॉलेज में चले गए, इतनी डिग्रियां हासिल कर ली। मैं अगेन, वी आर नॉट, हम उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे, शरई तकाजों के मुताबिक दुनियावी उलूम सीखिए, मगर जो इल्मे दीन के फजाइल कुरान और हदीस में है, इसका कोई कंपेरिजन नहीं है। आजकल लोग एक डिबेट करते हैं, यार फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए, फैमिली में एक वकील होना चाहिए, सॉलिसिटर होना चाहिए। सच्ची बात ये, फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए। हाँ, कयामत के दिन जब लोग जन्नत में जाएंगे ना, उलमा को रोका जाएगा, क्या रुक जाइए, बाकी लोगों की इंटरसेशन, बाकी लोगों की शफात कीजिए, उन्हें भी अपने साथ जन्नत में ले जाइए। अगर मेरा बेटा आलिम हुआ, मेरी बेटी, मेरी बच्ची आलिमा हुई है, मेरा भाई आलिम हुआ, या मैं खुद दरस निजामी करके आलिम बन गया और अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो इंशाल्लाह वारे नियारे होंगे। तो इन बच्चों पर फख्र कीजिए, ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, जिनके माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, भाई, फादर, यू आर सो लकी। इनकरेज करना इन बच्चों को। बाज़ औक़ात एक और प्रॉब्लम होता है, खानदान में एक बच्चा आलिम दीन बन जाए और दूसरा बच्चा दुनिया में कुछ तरक्की कर जाए, दूसरे बच्चे को डिस्करेज कर रहे होते हैं कि बेटा देखो तुम्हारा भाई कितना आगे बढ़ गया। अरे ठीक है, वो पाउंड कमा के ला रहा है, ये बेटा तुम्हें जन्नत में साथ ले जाएगा। हाफिज कुरान बच्चे की कदर करो, आलिम दीन बच्चे की कदर करो। हमने ऐसे भी लोग देखे कि माशाल्लाह, जो सादतमंद वालिद होते हैं वो अपने आलिम दीन बेटे की इज्जत कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा मेरी आंखों का नूर है। ये वाकई बड़ी सादत की बात है। तो यहां मैं बच्चों से भी बात कर रहा हूं, उनके फैमिली मेंबर से भी बात कर रहा हूं कि दौरान तालीम, देखिए शैतान
सबसे ज्यादा शैतान पर जो भारी है ना, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ शैतान इज आलिम दीन। हमेशा याद रखें, आलिम दीन से शैतान बहुत घबराता है। अच्छा, उस वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई आलिम दीन बन जाए, वो हमेशा इंटरसेप्ट करेगा। आप देखें किसी भी स्कूल की हिस्ट्री उठा ले, फर्स्ट क्लास में दाखिला लेने वाले मैट्रिक तक 90% तलबा मैट्रिक तक जाते हैं। दरसे निजामी में क्या होता है, ऊला में 100 बच्चे दाखिला लेते हैं, दौरे हदीस तक शायद 25 पहुंचते हैं। वाई 75% कहां चले गए, ये शैतान ले गया है। कोई ना कोई बहाना, मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूं, तबीयत ठीक नहीं है, फला ने ये कह दिया। शैतान नहीं चाहता है कि वो आपको आलिम दीन बनने दे। वो शैतान की हिकायत में एक वाकया है ना, उससे समझो आलिम कितना भारी है। शैतान जो है एक बार अपने सी के ऊपर अपना उसने तख्त लगाया समुंदर के ऊपर, और अपने जो उसके चेले हैं उनसे रिपोर्ट ले रहा था। तो एक उसका जो सर्वेंट ऑफ इबलीस, सर्वेंट ऑफ शैतान, वो कहता है कि सर मैंने एक बंदे को अल्कोहल जो है वो ड्रिंक करवा दिया, शराब पिला दी। कहता ठीक है, वो बैठ गया। दूसरा कहता है मैंने फोर्निकेशन करवा दी। कहता ठीक है, बैठ जाओ। तीसरा कहता है मैंने गैम्बलिंग करवाई, जुआ करवा दिया। कहता बैठ जाओ। एक शैतान का चेला खड़ा हुआ कहता मैंने एक तालिब इल्म को, स्टूडेंट ऑफ इल्म दीन को मैंने मदरसे से रोक लिया। शैतान खड़ा हुआ और उसको गले लगा लिया। तो जो उसके सर्वेंट्स थे कहते हैं हमने इतने बड़े बड़े सिंस करवाए, इतनी बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट दी, नो शाबाश है, नो हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं, और इसने सिर्फ एक बच्चे को मदरसे से रोक लिया, आपने खड़े होकर इसको सीने से लगा लिया। शैतान कहता है नाउ कम विद मी, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज थिंग ही डज, क्या किया है इसने मैं बताता हूं। शैतान अपने चेलों को लेकर जमीन पर आया, और अब यह वक्त था फजर से पहले का। इंसानी सूरत में शैतान एक मस्जिद के कॉर्नर पर खड़ा हो गया। एक शख्स आबिद, इबादत तो थी इल्म नहीं था। वो कहते हैं ना इल्म, इल्म बहुत बड़ी चीज है। तो वो आबिद मस्जिद की तरफ जा रहे थे, शैतान ने रोका, कहा हुजूर ये एक बॉटल है मेरे हाथ में, क्या अल्लाह करीम इस पूरी दुनिया को, यूनिवर्स को इस बॉटल में एंटर कर सकता है? आबिद था ना, आलिम नहीं था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इल्म एंड विदाउट इल्म पर्सनैलिटी। नॉलेज ऑफ दीन कितनी जरूरी है ईमान को बचाने के लिए। तो वो आबिद कहते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया इतनी छोटी सी शीशे में कैसे जा सकती है? शैतान कहता है बस ठीक है, अब आप जाइए, जितनी नमाज पढ़नी है पढ़िए। इस शख्स ने क्या किया, अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया, ईमान से ही चला गया ना। शैतान का काम हो गया, कहता तो पढ़ो सजदे, करो तहज्जुद, जितनी पढ़नी तहज्जुद पढ़ो। वो चला गया तहज्जुद पढ़ने बंदा। थोड़ी देर हुई एक आलिम दीन गुजरे, अब तहज्जुद का वक्त खत्म हो चुका था, अब फजर का वक्त शुरू हो चुका है। वो तहज्जुद पढ़ने नहीं जा रहे थे, फर्ज अदा करने जा रहे थे। शैतान ने रोका, सर एक मिनट, जल्दी बताओ। कहा सर ये एक बॉटल है, क्या रब्बे करीम ये पूरी यूनिवर्स को, कायनात को इस बॉटल में एंटर कर सकता है? वो आलिम दीन थे, पता क्या कहते हैं, मर्दूद तो मुझे शैतान मालूम होता है, ये बॉटल तो बहुत बड़ी है, मेरा रब नीडल के जो सुराख होता है ना, सुई के सुराख के अंदर से ऐसी करोड़ों कायनात को गुजार सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, दैट इज द नॉलेज। शैतान ने फिर अपने अपने चेलों को, सर्वेंट्स को कहा दिस इज द डिफरेंस, मदरसे मत जाने देना, आलिम मत बनने देना, इनको करने दो नमाजें, पढ़ने दो, करने दो इबादतें, अगर दिल में इल्म नहीं है तो इनका ईमान छीनना वेरी इजी है, वेरी इजी टू स्नैच ईमान विदाउट इल्म दीन। और यही हो रहा है आजकल, कितनों का ईमान जाया कर रहा है शैतान। कोई फिल्मी सॉन्ग्स गाकर ईमान जाया कर रहा है, कोई कॉमेडी शो देखकर ईमान जाया कर रहा है, कोई आपस में दोस्तों में हंसी मजाक करके अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी करके और जनाब फरिश्तों का मजाक उड़ा के हेवन और हेल की वो फिल्मी स्टोरियां बना के ईमान जाया कर रहे हैं। नोबडी नोज द बाउंड्रीज ऑफ ईमान बिकॉज नोबडी हैव नॉलेज ऑफ दीन। समझो इस बात को, ये ऐसे ही नहीं जामियतुल मदीना हम बनाई चली जा रहे हैं। हमें पता है दावत इस्लामी का बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जामियतुल मदीना पे लग जाता है, अच्छा खासा हमें चंदा करना पड़ता है इसके लिए, लेकिन इस्लाम की बका के लिए जरूरी है कि ज्यादा उलमा बने और फिर यूके में उलमा बने ताकि वो इंग्लिश स्पीकर्स हों और हमारे यंगस्टर का जो गुनाहों की तरफ शैतान लेके जा रहा है उन्हें वापस लेकर आए दीन की तरफ। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ उलमाए दीन, इंपॉर्टेंस ऑफ इल्म दीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अल्लाह करे कि आज का ये इज्तिमा हम में से कईयों के दिलों में इल्म दीन सीखने का जज्बा बेदार कर दे। और अब मैं अपने बयान के आखिर में, चूंकि मेरे बच्चे ही हैं,
जामियतुल मदीना के तलबा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि यकीनन आपने इल्म हासिल कर लिया, ये बहुत बड़ी सआदत है, मगर इल्म के साथ अमल बहुत जरूरी है। इल्म जिस्म है तो अमल लिबास है। बेअमल आलिम जो है ना, उसको भी सख्त सजाएं किताबों में लिखी हैं। इल्म हासिल करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। आपके साथ अगर मदनी होने का टैग लग गया है तो अब लोग आपको एक आलिम दीन की हैसियत में देखना चाहते हैं, और अगर एक तालिब इल्म दीन, एक आलिम दीन गुनाहों की तरफ या सुस्तियों की तरफ या गफलत की तरफ जाता है तो उसको देखकर और लोग दीन से दूर होते हैं। ये सिर्फ मैं तलबा से बात नहीं कर रहा, मेरे दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से भी बात करना चाह रहा हूं। इमामा पहनना, दाढ़ी रखना बहुत अच्छी बात है, मगर आपने अगर ये मजहबी हुलिया अपनाया है ना, तो नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर, इवन मोर स्ट्रॉन्गर। आपने और अब एहतियात करनी है कि जब दाढ़ी वाले को लोग झूठ बोलते देखते तो कहते हैं देखो ये दाढ़ी वाला है, इमामे वाले को वादा खिलाफी करते देखते तो और बुरा भला कहते हैं। तो हमें यकीनन ये सुन्नतें अपनानी हैं, मगर ये हैं लिबास की सुन्नतें। किरदार की सुन्नतें कौन अपनाएगा? क्या सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत है? सिर्फ इमामा पहनना सुन्नत है? सीधे हाथ से सिर्फ खाना ही सुन्नत है? हैं, सच बोलना भी सुन्नत है, वादा पूरा करना भी सुन्नत है, माफ करना भी सुन्नत है, नरमी से बात करना भी सुन्नत है, पड़ोसियों का ख्याल रखना भी सुन्नत है, बड़ों के साथ अदब से बात करना भी सुन्नत है, बच्चों पर शफकत करना भी सुन्नत है, अगर प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करना भी सुन्नत है। तो ये वाली सुन्नतें हमारे अंदर कब आएंगी? तो प्लीज, अगर हमने एक तो नॉलेज हासिल कर ली है और दूसरा अगर हमने माशाल्लाह अपना अपेयरेंस भी मजहबी हुलिये वाला अपनाया है, तो वी नीड टू करेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम अवर हार्ट। किरदार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए ना, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने जो फर्स्ट अनाउंसमेंट किया था, इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाया था, ऐलान नबूवत फरमाया था, वो कौन सी एज थी मेरे आका की? 40 इयर्स की एज में। 40 साल की उम्र तक नबी पाक ने क्या किया था? अपना किरदार ही तो पेश किया था, लोगों के साथ मेल मिलाप ही तो था। और जब नबी पाक ने कोहे सफा पर स्टैंड अप होकर जो अनाउंसमेंट किया था कि बताओ लोगों में कौन हूं, हुआ माए, तो लोगों ने क्या कहा था? आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी इस्लाम की बात नहीं की थी, मगर वो किरदार था कि लोग मानने पर मजबूर हो गए कि आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। मुझे बताओ ना, सादिक आका का उम्मती झूठा कैसे हो सकता है? अमीन आका का उम्मती बेईमान कैसे हो सकता है? हमारा किरदार, वल्लाह मेरे तलबा, मेरे असातज़ा, मेरे मदनी, मेरे निगरान दावत इस्लामी के, मैं सबसे बात कर रहा हूं, जिसने जिसके साथ ये टैग लग गया है ना, ये अमीर अहले सुन्नत का मुरीद और दावत इस्लामी का रिस्पॉन्सिबल है, उससे तो मिलके मजा आ जाए यार। ये दावत इस्लामी यार, क्या सच बोलते हैं, क्या मुस्कुराते हैं, क्या मोहब्बत से मिलते हैं, क्या वादे पूरे करते हैं। हमसे कोई कारोबार करे तो उसे टेंशन ना हो, हमसे कोई रिश्ता करे तो उसे टेंशन ना हो। यह है इस्लाम कि हमारे अंदर से नबी पाक की सुन्नतें छलकनी चाहिए। सिर्फ चेहरा सुन्नतों वाला और किरदार अगर बुरा होगा तो कैसे काम होगा? हमारे असलाफ सुभान अल्लाह, उनका पड़ोसी भी उनसे खुश होता था, उनका पड़ोसी उन्हें तंग करता था, मगर वो उसे दुआएं देते थे। हैं, इमाम आजम अबू हनीफा कितने बड़े इमाम हैं, वक्त के इमाम, फिक के इमाम। आपका एक पड़ोसी शराबी था और रोज शराब पी के गुलगपारा करता था, शोर शराबा, आपका आराम में खलल, आप तो पढ़ने लिखने वाले, इबादत करने वाले आदमी थे, सारी रात शोर करता था। एक रात शोर की आवाज नहीं आई, देयर इज नो शाउट। हम जैसा आदमी बोले जान छूटी, चलो भाई सुकून से सो जाओ। इमाम आजम ने कहा चेक तो करो किधर गया वो शराबी, आज हंगामा नहीं है? पता चला कि उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। हम क्या कहें, चलो जान छूटी, हम तो पहले ही चाहते थे उसको उठा के ले जाए। आप उस जमाने के खलीफा के पास पहुंच गए कि मेरे पड़ोसी को तुम उठा के ले आए हो। कहा हुजूर आप हमें बताते, आप हमारे दरबार तक आ गए, इमाम आ गए। तो आपने फरमाया मेरे पड़ोसी को छोड़ दो। अच्छा, इमाम आजम चूंकि चले गए थे उस खलीफा के दरबार में, तो खलीफा ने ऑर्डर किया कि इस कल रात जितने लोग पकड़े गए सबको आजाद कर दो। इमाम आजम आए हैं, उनकी रिस्पेक्ट है। इमाम आजम अपने पड़ोसी को लेकर वापस आ गए। पड़ोसी कहता है हजरत सारी जिंदगी तंग करता रहा और आप मुझे छुड़ाने आ गए। इमाम आजम ने कुछ इस तरह फरमाया, पड़ोसी का भी तो हक होता है ना, उसने तौबा की, शराब पीने से तौबा की, गुनाहों से तौबा की और एक नेक इंसान बन गया। यह है किरदार। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपने सिर्फ गुफ्तार से नहीं, किरदार से भी मुसलमानों को करीब करना है। कभी हमारे किरदार के बारे में कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि हम उस आका के उम्मती हैं।
कि जो सुभान अल्लाह नबी पाक का तो जो जितना करीब होता गया ना वो उतना दीवाना होता गया। प्यारे आका की खूबसूरतियों में आखिरी बात कर लें, टाइम काफी हो गया। नबी पाक अली सलातो सलाम की जो शान है ना उसमें बहुत सारी, यकीन नबी पाक की तो इतनी तारीफ करें कम है, इतने सारे वाकयात हैं, मगर एक और लॉजिकली चेक करें ना, दुनिया में पता क्या होता है, जो बहुत फेम पर्सनैलिटी या बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो ना, दूर से बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसके हम या तो बयान सुनते हैं या उसकी कोई बात सुनते हैं, अगर वो नातख्वां होता है तो उसकी नात सुनते हैं, या नॉर्मली अगर दुनिया में दुनियावी आदमी होता है तो उसकी स्पीच लोग सुन रहे होते हैं, सिंगर होता है तो उसके गाने सुन रहे होते हैं, दूर से बड़ा बंदा पसंद करता है, दीवाना हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी बड़ी पर्सनैलिटी के करीब जाए ना तो बंदा कहता है यार ये तो वैसा नहीं जैसा मैं समझ रहा था, गुस्से वाला है, डांटता है, झड़कता है, प्राउडी है, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की शान देखो, जो जितना करीब होता गया उतना दीवाना होता गया। सबसे पहले ईमान कौन लाया? सबसे पहले मर्दों में ईमान कौन लाया? जो वेरी नियरेस्ट नबी पाक और उनकी 20 इयर्स की फ्रेंडशिप थी, 20 साल की रफाकत है, और जैसे ही मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया पहला मर्द ईमान लाने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? जो आपकी गोद में बड़े हुए हैं वो अपनी आंखों से जलवाए जाना देख रहे थे, आका की मुबारक आदतें देख रहे थे, जैसे ही नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया मौला अली शेरे खुदा कलमा पढ़े और आका के दामन से वाबस्ता हो गए। औरतों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? सबसे करीब नबी पाक की ज़ौजा मोहतरमा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये क्या था, ये इसके पीछे राज क्या है? वो किरदार था, वो दिन रात देख रहे थे, वो आका की अदाएं देख रहे थे। अब मैं थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना चुपता हुआ सवाल कर लेता हूं, अपनी बैठे ना, अपनों से ही बात हो रही है, चुपता हुआ सवाल। हमारी फैमिली हमसे मुतासिर है, हमारे करीब के लोग हमसे मुतासिर हैं, दूर वाले बड़े मुतासिर हैं। हाँ, मस्जिद में जाएं तो नमाजी कहते हैं दुआ करना, कभी अम्मी ने कहा दुआ करना है? कभी हमारी वाइफ ने कहा कि मेरे सर में दर्द है जरा दम कर दें? बच्चे ने कभी कहा अबू जरा आज परेशान हूं दुआ कर दें या मेरे दम कर दें? या कभी हमारा है, कभी कभी बेचारे इस्लाम में होते हैं कहते हैं हजरत अपना खाना हमें दे दें बचा हुआ, तबरुक दे दें, उनको क्या पता हमारा क्या हाल है? कभी घर वालों ने कहा कि अपना बचा हुआ खाना बचाइएगा? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, घर वालों को तो पता है इसके दम में दम ही नहीं है, तो ऐसा ना करें। अल्लाह करे कि हम अल्लाह की रजा के लिए जैसे हम लोगों में हैं वैसे हम अकेले में भी हों, हमारी खलवत और हमारी जलवत ये दोनों अच्छी हो जाए, बातिन और जाहिर दोनों साफ हो जाए। अल्लाह करे हम बाअमल हो जाए, जो वाकई उलमाए दीन है ना, उलमाए हक है, उलमाए रब्बानी हैं, अल्लाह उनका हमें सदका अता फरमाए। जो उलमा के फजाइल और तलबा के फजाइल हमने हदीसों में पढ़े हैं कि तालिब इल्म तो जब घर से निकलता है ना तो उसके लिए समुन्दर में मछलियां दुआ करती हैं, सुराखों में चूटियां दुआ करती हैं, फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, वो कैसे तालिब इल्म होंगे? अल्लाह उनका सदका नसीब फरमा दे, उनका फैजान नसीब फरमाए। और ये पॉसिबल है अगर हम वाकई वैसे बन जाएं जैसा दावत इस्लामी हमें बनाना चाहती है। और जवान मेरे नौजवान या बड़ी तादाद में मेरे बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, देखो जवानी की इबादत जो है ना वो अल्लाह को बड़ी पसंद है, अपने आप को गुनाहों से बचाना, शैतान हमले करता है मगर अल्लाह को वो नौजवान बड़ा पसंद है जो अपनी यूथ में, अपनी यंग एज में वो अपना टाइम वर्शिपिंग में गुजारता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, अ यंग मैन हु गिव्स अप द प्लेजर एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड and advances towards the obedience of Allah Azza wa Jal in his youth, then Allah Azza wa Jal will grant him the reward equivalent to 72 siddiqeen. Jawani mein Allah ki ibadat karo, 72 siddiqeen jaisa sawab milta hai. Jagah Nabi Pak farmate hain, he sallallahu alaihi wasallam said, undoubtedly Allah Azza wa Jal loves most that beautiful young man amongst his creation who spent his youth and beauty in worship Allah Azza wa Jal, taking pride him in front of the angels. Allah Azza wa Jal says, he is my real born man. ये मेरा हकीकी बंदा है। अल्लाह फरिश्तों के सामने उस खूबसूरत नौजवान पर फखर फरमाता है जिसको अल्लाह ने खूबसूरती भी दी हो, जवानी भी दी हो, मगर वो अपने आप को गुनाहों की तरफ ना लगाए, अपनी जवानी अल्लाह की राह में गुजार दे। और ये दावत इस्लामी आज लाखों नौजवानों को मौका दे रही है, मगर शैतान आप पर यकीनन अटैक करेगा और कर रहा होगा। आपने बचाना है अपने आप को, इसको बचाकर अपनी लाइफ को गुजारना है। एक बार एक बुजुर्ग को देखा गया, बुजुर्ग का नाम है, उन बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो
कयामत, उनको 100 ईयर्स की, 100 ईयर्स की उनकी एज थी। तो आपने बुजुर्गों, किसी ने पूछा उनसे कि हुजूर आपकी 100 ईयर्स की एज है और आप बिल्कुल ठीक है, आईसाइट भी ठीक है, दांत भी सही है, आपकी लिसनिंग पावर भी ओके है, तो क्या कमाल का आपने जवाब दिया। आप कहते हैं कि मैंने अपने पार्ट ऑफ द बॉडीज को अपनी यूथ, यंग एज में अल्लाह की नाफरमानी में यूज नहीं किया, इसको सिंस में नहीं लगाया, अल्लाह करीम ने बुढ़ापे में मेरी ओल्ड एज में मेरे पार्ट ऑफ द बॉडी को सलामत रखा। अगर अपना बुढ़ापा अच्छा चाहते हो ना, तो अपनी जवानी पाकीजा गुजारना। अल्लाह करे कि हम अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारने वाले बने, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करने वाली जिंदगी गुजारें, और यही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें ये जहन देता है। मैं यहाँ तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश, और एक और आपको गुड न्यूज देता हूं कि अगर आप बिजी हैं ऑफिस पर, कारोबार में, मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं अगर लाइव, तो आप अगर दरस निजामी करना चाहती हैं और आप जामितुल मदीना में फिजिकली नहीं जा सकती हैं, तो quranteacher.net ये दावत इस्लामी की वेबसाइट है, एक हमारा डिपार्टमेंट है फैजान ऑनलाइन अकेडमी, उसकी वेबसाइट है, आप वहां जाएं और ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें, दरस निजामी करना शुरू कर दें, रोज के 1-2 घंटे दें, 4-5 ईयर्स में आप ऑनलाइन घर बैठे इंशाल्लाह दरस निजामी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टाइम तो हम निकाल सकते हैं ना। अच्छा, ये भी ना घबराएं कि कई कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने इंग्लिश में पढ़ाने वाले इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें तैयार रखे हैं, जो ऑनलाइन आपको आपकी टाइम के मुताबिक, व्हाट एवर टाइम यू हैव, आपको लगता है यार सारे कामकाज से फारिग होकर रात 10 बजे मैं पढ़ सकता हूं, 10 बजे पढ़ें, 11 बजे पढ़ें, सुबह पढ़ें, जब आपके पास टाइम है आप ऑनलाइन पढ़ें, quranteacher.net पर जाकर आप ऑनलाइन पढ़ लें। तो जितना इजी इल्म दीन सीखना दावत इस्लामी के अब हो चुका है, इंशाल्लाह दरस निजामी के और ये इल्म दीन हासिल करने की तरफ आए। अच्छा, सिर्फ दरस निजामी ही इल्म दीन सीखने का जरिया नहीं है, दावत इस्लामी में बहुत सारे तरीके हैं, मदनी काफले, सुभान अल्लाह, मदनी काफलों में भी आप सफर करें, बहुत सारा इल्म दीन सीख लेंगे। फिर हमारे कोर्सेज हैं, इस्लाह आमाल कोर्सेज हैं और दीगर कोर्सेज हैं, 1 महीने के कोर्स होते हैं, 2 महीने के होते हैं, 12 डेज के होते हैं, तो आप हमारे जिम्मेदारान से रबते में रहा करें। अब जैसे माशाल्लाह ये मैं बोर्ड पीछे देख रहा हूं, फ्यूनरल सर्विस, ये फ्यूनरल कोर्स ये भी तो आना चाहिए ना। हमारे घर में किसी की मैयत हो जाती है, मैं जनाजा पढ़ना नहीं आता, गुस्ल देना नहीं आता, कफन देना नहीं आता, ये जरूरी चीज है ना, तो फैमिली में किसी को तो आना चाहिए। तो ये कोर्सेज भी अब ऑनलाइन हो रहे हैं, ये कोर्सेज फिजिकली भी हो रहे हैं, तो आप हमारे जिम्मेदारान से राबता करके जो बेसिक ऑफ इस्लाम जो चीजें हैं वो सीखना शुरू कर दें, ताकि मेरा शुमार एटलीस्ट, कहते ना इनरोल तो हो जाओ तालिब इल्म दीन में, है मेरा नाम भी तो हो कि मैं भी इल्म दीन सीखने वालों में से हूं, तो जो तालिब इल्म दीन की फजीलतें हैं उसमें मुझे भी हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि हम या तो तालिब इल्म दीन बन जाएं, या अल्लाह करे कि आलिम बाअमल बन जाएं, और अल्लाह उन बुजुर्गों का फैजान हमें भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाल्लाह एक और अजीब शान अनाउंसमेंट मैंने करना है कि जैसे कि 10 ईयर्स कंप्लीट हुए यूके जामियतुल मदीना को, 25 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट जामियतुल मदीना को, हम माशाल्लाह इसकी सिल्वर जुबली भी बनाने जा रहे हैं, और 7 नवंबर इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल हम टेलीथॉन मदनी अतियात मुहिम फंड रेजिंग कंपेन कर रहे हैं, और उसमें हमने डिमांड या अपील ये रखी है लोगों के सामने कि देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड दावत इस्लामी के अप्रॉक्स तकरीबन, जो मेरी मालूमात है इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के मिला के, तकरीबन 2,500 के करीब जामियतुल मदीना है, इस्लामी भाइयों के तकरीबन 1,100 के करीब बन गए, इस्लामी बहनों के भी हैं, और फिर ये सारे जामियात और फिर मदरसतुल मदीना 5,000 के करीब मदरसतुल मदीना हो गए, ऑल टूगेदर 7,000 के करीब इंस्टीट्यूट दावत इस्लामी ऑल अराउंड द वर्ल्ड चला रही है, इसमें 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और ये बगैर किसी फीस के पढ़ रहे हैं, दरस निजामी कर रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं, हाफिज कुरान बन रहे हैं। अब तक दावत इस्लामी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे 100,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं, एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स माशाल्लाह उलमा ऑल अराउंड द वर्ल्ड दरस निजामी कर चुके हैं, तलबा फारिग हो चुके, इतना बड़ा नेटवर्क है। आप खुद सोचें कि इतने सारे मुल्कों में इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए आपको कितना एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होगा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज वी नीडेड,
अच्छा अब उसका तरीका हमने क्या किया, इतनी बड़ी अमाउंट आपको बताते तो सारे ही कहते हैं इतनी बड़ी अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, हमने इसके यूनिट्स बना दिए और ओनली 65 pounds का एक यूनिट है। अच्छा अब इतने लोग बैठे हैं, इतने फजाइल सुने, उलमा की फजीलत यह है, तालिब इल्म की फजीलत यह है, हम तो हम में से बहुत सारे हैं जो आलिम दीन भी नहीं है, तालिब इल्म भी नहीं है, मदरी चैनल पर भी मुझे लोग देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी नेकी तो जामिया वाले खुद ही ले जाएंगे, हम कहां जाएंगे। तो यूं समझिए दावत इस्लामी ने इतने बड़े ह्यूज नेकी के काम में हमें पार्टनरशिप का मौका दे दिया है, हमें सवाब हासिल करने का एक बहुत शानदार हमें अच्छी मौका अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वो ये है कि हम टेलीथॉन में दिल खोल कर अपने यूनिट्स दें ताकि ये उलमा बने, तालिब इल्म आगे बढ़े, दीन का काम आगे बढ़े और हमें भी सवाब मिले, हम भी उसमें हिस्सादार हो जाएं, हम भी पार्टनर हो जाएं। तो अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपने पेरेंट्स के नाम पर, अपने चिल्ड्रंस के नाम पर, कराची में, पाकिस्तान में ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनके घर के 12 मेंबर्स हैं वो 12 यूनिट लेते हैं, 20 मेंबर्स हैं वो 20 यूनिट लेते हैं, कहते हर बच्चे के नाम का यूनिट लेंगे ताकि हमारी पूरी फैमिली को सवाब मिले। क्योंकि याद रखिए मैंने एक हदीस आपको फजीलत सुनाई थी कि कयामत के दिन जब बाकी लोग जन्नत में जाएंगे ना तो उलमा को रोका जाएगा और कहा जाएगा कि चलिए, उलमा को कहा जाएगा बाकी लोगों की शफात करें, तो क्या पता कयामत के दिन मेरा या आपका कोई हाथ पकड़ ले और कोई हजरत आपने यूनिट दिया था मैं आलिम बन गया चलिए जन्नत में साथ चलते हैं, तो साडा तो कम हो जाएगा ना इंशाल्लाह। तो दिल खोल कर आपने आज भी आप दे सकते हैं, इस खुशी के मौके पर हमारे यहाँ जिम्मेदारान मौजूद होंगे, कोई आज अपना यूनिट बुक करना चाहता है वो आज दे दे, वरना 7 November हमारा ये टेलीथॉन का डे है, जरूर आपने इसमें हिस्सा लेना है, भरपूर हिस्सा लेना है। और चूंकि मैं ब्रैडफर्ड में बैठा हूं तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी अनाउंस कर देता हूं, क्योंकि हमारे बर्मिंगम वालों का कहना यह है कि इस बार यूके में पहला नंबर हमारा आएगा, तो क्या बर्मिंगम का पहला नंबर समझें या ब्रैडफोर्ड पहला नंबर पे आएंगे इंशाल्लाह। कोई जोश नजर नहीं आ रहा है वैसे मुझे, तो भरपूर तरीके से मिलकर इंशाल्लाह यूनिट्स आपने देने ताकि दावत इस्लामी को हम और सपोर्ट कर सकें। आज इंशाल्लाह जो दस्तार फजीलत है वो तो उन इस्लामी भाइयों की है जिन्होंने दरस निज़ामी कंप्लीट किया है, मगर माशाल्लाह जो जिन बच्चों ने हिफ्ज़ और नाजरा मुकम्मल किया है उनको भी कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह करीम जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया, नाजरा पढ़ा, दरस निज़ामी किया, उनको और उनके वालिदैन को खूब बरकत नसीब फरमाए। अब इंशाल्लाह मजलिस से गुजारिश है कि इंतजाम कीजिए ताकि हम जो है वो सेरेमनी की तरफ चलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। That's fine.
السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام. سب کو فیضان علماء نصیب فرمائے. آمین. جی ماشاءاللہ جو دور حدیث کے اساتذہ ہیں وہ بھی اوپر آ جائیں. آ جائے جی. تو میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جو ان کے والد صاحب ریلیٹیوز یہاں تشریف فرما ہے یہ شکرانے کے طور پر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. دستار فضیلت کا سلسلہ ہے ان کے والد صاحب بھائی جان دیگر ریلیٹیوز نیت کریں کہ انشاءاللہ مانے گا. ماشاءاللہ شروع کریں حضور. جو ہمارے طلبہ کے نام دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ان شاء اللہ ان کے اور ان کے والد صاحبان کے نام ذکر کیے جائیں گے. یہ ان شاء اللہ دستار فضیلت کی سعادت پہلے پھر زور سے سبحان اللہ ریڈ فورٹ سے سلام کرتی ہوں اور دورہ حدیث کی شروع تکمیل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور نام بھی دیتے جائیے. بلال اکاش اتاری سنف تواسین ارمندم سنگھ کا تعلق ہے ماشاء اللہ. محمد امین الدین سنف محمد ایوب ماشاء اللہ. لکھن سنگھ کا تعلق ہے بیچارے کو نہیں لگا ماشاء اللہ اس کو لگا دو یار ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راستہ دے دیں جی. محمد مجاہد واسف سنف ظفر اقبال ان کا تعلق ماشاء اللہ بلیک بن سے. سید مدیب الحسن اختار سنف سید تنویر الحسن ماشاء اللہ بہت بہت مبارک سے بہت مبارک ماشاء اللہ. سید مدیب الحسن کا صاحب کا تعلق ماشاء اللہ. محمد عثمان احمد سنف زرین احمد اس کو کھولو یاد اوپر دیکھیں. محمد سفیان جاوید ماشاء اللہ محمد سفیان جاوید محمد افتخار ماشاء اللہ بدین ویٹ اپ کر کے بھی ہار برکت محمد دیٹ فور سے کا تعلق ہے ماشاء اللہ. ارے ماشاء اللہ مبارک ذمہ دار بھی ہیں استاد بھی بن گئے ماشاء اللہ. کئی ایسے لوگ اللہ اللہ اوپر دیکھیے بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک بہت ماشاء اللہ. آگے آ جائیں ماشاء اللہ.
माशाल्लाह 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 फावी मुबारक 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 माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह अल्लाह खूब बरकत दे और आलिम बाअमल बनाए You got the most tense job. Mashallah, fezana ta. Oh, mashallah. If I can't get you a flower, I'll give you your flowers in the office. Give it a yard. Wasn't well planned, this was it? अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुबारक बहुत मुबारक अल्लाह और सोज में बरकतें और नसीब फरमाए माशाल्लाह ये खुल सकता है देखो अगर खुल जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह क्या नसीब माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक ठीक है ऊपर आ जाए ऊपर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक आगे आ जाए माशाल्लाह सुभानअल्लाह आंखें अश्कबार हैं हमारे मदनी इस्लामी भाइयों की माशाल्लाह अल्लाह इनके ज़ौक दे बहुत काबिल बहुत बहुत मुबारक जी 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 मुबारक सबसे पहले इनको सर कोई बात नहीं आपको मिल गई सुभानअल्लाह माशाल्लाह 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 क्या बात है कई ऐसे हैं इसमें स्टूडेंट जिनकी दस्तारे फजीलत आज हो रही है और अभी ऑलरेडी जामियतुल मदीना में टीचर भी बन चुके हैं यानी ये वो री जो प्रोडक्शन है कि माशाल्लाह जिसके बाद और दीन का काम आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह न्यूटन जामिया में तदरीस कर रहे हैं माशाल्लाह हमारे तैयब भाई माशाल्लाह जिनकी मुफ्ती साहब इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो इस्लामी भाई हैं जिन्होंने 12 माह मदनी काफिले में सफर किया अब इंशाल्लाह नॉर्वे में जामियतुल मदीना आगाज करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह इनको इनके पूरे घराने को सलामत रखे माशाल्लाह यू आर एसेट ऑफ दावत इस्लामी माशाल्लाह बहुत मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह या मरहबा पूरे हो गए शोएब भाई उफाज के नाम भाई ये पूरे बाकी है मदरसे वालों के लिए जामिया वाले पूरे हो गए ठीक है तो अब जामिया के मदरसे के असातज़ा आ जाएं और जामियतुल मदीना के असातज़ा का बहुत शुक्रिया मदरसतुल मदीना के असातज़ा तशरीफ ले आओगे जो हाफिज कुरान और जो माशाल्लाह नाजरा हुए हैं उनकी अब इंशाल्लाह सर्टिफिकेट दिए जाएंगे माशाल्लाह अब्दुल हफीज भाई कम फॉरवर्ड खालिद भाई कम फॉरवर्ड अब्दुल हफीज भाई को भेज और मदरसतुल मदीना के जो असातज़ा हैं आ जाए माशाल्लाह माशाल्लाह खालिद भाई कम फॉरवर्ड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुबारक माशाल्लाह 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 अल्लाह ने ये खुशियों का दिन दिखाया चले अनाउंस करेंगे इस्लाम फॉर द हिप्स इंशाल्लाह
वो सामने खड़े। माशाल्लाह, प्लीज कम फॉरवर्ड द हुफाज जिनके नाम लिए जा रहे हैं, और कीप कीप आइए। और आप ले मामा भी बांध। अच्छा माशाल्लाह, फोर चार माशाल्लाह, इसमें हुफाज़े किराम है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हाफिजों को नहीं देना है, हाफिज ये तो नाजरा वालों को देना है, इनको भी देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत बहुत आगे आ जाए बेटा। हाफिज साहब जामे को हो गया ऐसे, ठीक है बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह, सबको लेके बुला लो फिर मुझे ऐशा है पहरो मदीने में फिर रोता सुने मजीद आपने तेरे दर पर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा है पहरों पर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाहे बाहरों पर मदीने में फिर रोता हुआ तेरे पर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह नबी लग जा मदीने में सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर सलाम शौक कहना हाजियों मेरा रो रो कर सुना मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस इंशाल्लाह दौरान सलातुस्सलाम इंशाल्लाह सलातुस्सलाम के बाद दुआ होगी। बहुत ही प्यारे तबरुकात हैं हमारे पास जो आज इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवाए जाएंगे। उस तबरुकात क्या है मैं कुछ बता देता हूँ। नबी पाक अलैहि सलातुस्सलाम की मुबारक जुल्फे हैं और हजरे अस्वद के छोटे से पीस हैं और साथ साथ नबी पाक अलैहि सलातुस्सलाम के जो ग्रीन कलर का इबाब मुबारक है उसका भी पीस है और प्यारे आका के मुबारक लिबास के कुछ धागे हैं। तो ये तबरुकात की भी ज़ियारत आप करते जाएंगे। एक लाइन इधर बना लेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में या इंतजाम हो जाएगा सलातुस्सलाम के बाद इंशाल्लाह आप उसका भी दीदार कर सकेंगे।
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज में हिदायत पे लाखों सलाम, हम मत पेला को सलाम, शमाए बज में हिदायत पेला को सलाम, जिसकी तस की से रोते हुए हंस पड़े उस तब सुम की आदत पेला को सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहें इनायत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज में हिदायत पेला, जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पेला खो सलाम, गौसे आजम इमाम मुत्तों का वन्नों का, हाँ गौसे आजम इमाम मुत्तों का वन्नों का, जलवाए शान खुद रत पेला खो सलाम, मुस्तफा मत पेला खो सलाम, शमाए बज में हिदायत पेला, काश माह शर में जब उनकी आमद हो और हाँ भेजे सब उनकी शौकत पेला खो सलाम, मुझसे खेद मत के खुद सी कहे हाँ रजा, हाँ वो रजा आला हजरत बरे, पेला खो सलाम, शमाए बज में हिदायत पेला खो
ہم شمع بز میں ہدایت پہ لا, جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا, نوجوانوں کو سنت کا پیکر کیا, فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے, فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے, میرے شیخ تری سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ماشاء اللہ. ایک اسٹوڈنٹ رہ گئے ہیں, چلے ان کی دستار فضیلت بھی ہو جائے, پھر مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. ہینڈ مائک. ماشاء اللہ. امین الدین قادری, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جلدی 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 جلدی. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. شاہ کی ساری امت پہ لاکھ سلام. آ جا. کون رہ گیا؟ جلدی جلدی جلدی. ماشاء اللہ یا مرحبا. ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ کے ٹیچر بھی بن چکے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ہمارا ایک ایک اسٹوڈنٹ انشاءاللہ دین کا عظیم مبلغ بنے گا انشاءاللہ. بہت بہت مبارک. O Mubalik, for you it's my prayer, may you keep ascending success, stay ascending success, stay.